नमस्कार, आपके साथ मैं हूं कनिका। और सुबह मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें आपके साथ शेयर किया था कि मेरे एरिया में यानी कि ईस्ट दिल्ली में पटपड़गंज सोसाइटीज़ में जनता कर्फ्यू का हाल कैसा चल रहा है, लोग किस तरह से घर के अंदर हैं और कैसे पीएम मोदी ने जो बात कही थी सबसे, उन्होंने कहा था कि वो अपने घर के अंदर रहें 22 मार्च का, उसका सब लोग पालन कर रहे हैं। लेकिन इस बीच जो अभी न्यूज़ में एक बड़ी खबर मुझे देखने को मिली है वो ये मिली है कि 75 ज़िले जो हैं वहाँ पर लॉकडाउन किया जा चुका है। वो इसलिए क्योंकि जगह जगह से ऐसी खबरें मिल रही हैं कि कोरोना वायरस के कुछ लोग पाए जा रहे हैं जिनमें संक्रमित हैं वो कोरोना वायरस से। इस वजह से सरकार ने ये फैसला लिया है कि वो लॉकडाउन कर देंगे। और अभी भी सरकार बैठ के कर रही है और ये डिसाइड कर रही है कि और कौन कौन से ज़िले हैं जहां पर लॉकडाउन कर देना चाहिए। तो जो लोग आज भी बाहर घूम रहे हैं उनसे मेरी खुद भी ये विनती है कि वो लोग बाहर ना घूमें। सरकार अगर आपसे कुछ कह रही है तो वो आपके भले के लिए कह रही है। और इस समय अगर आप ब्रेवरी दिखाते हैं और ये सोचते हैं कि हम बाहर जाएंगे तो उसमें हम ये साबित कर सकते हैं कि हम कितने ब्रेव हैं, हमें कोरोना वायरस से डर नहीं लगता, तो ये समय बेवकूफ़ी होगी। क्योंकि ये एक ऐसा वायरस है जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में बहुत जल्दी ट्रांसफ़र हो सकता है और इसीलिए सरकार लॉकडाउन की स्थिति लेकर आ रही है ताकि बाहर आप बेवजह ना निकलें। और साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि जो ज़रूरी चीज़ों की सामान की दुकानें हैं वो खुली रहेंगी जिसमें एसेंशियल चीज़ें मिलती हैं, जैसे कि आपका राशन पानी का सामान हो गया या मेडिसिंस हो गई, ये सब चीज़ें आपको मिलती रहेंगी। हालांकि आज ये सब चीज़ें भी कई जगहों पर बंद कर दी गई है। जनता कर्फ्यू को देखते हुए दुकानदारों ने भी ये फैसला किया कि वो इस बात का पालन करेंगे पीएम मोदी की इस बात का, और लोगों ने पहले से इसके लिए तैयारी कर रखी थी। लेकिन अब क्योंकि लॉकडाउन है कई जिलों में, कई शहरों में 31 मार्च तक इसकी मियाद रखी गई है। हालांकि इसे बढ़ाया भी जा सकता है, हो सकता है इसे आगे और सिचुएशन को देखते हुए बढ़ा दिया जाए। और पुलिस जगह जगह गश्त कर रही है, देख रही है कि कौन लोग हैं जो बेवजह बाहर घूम रहे हैं, उन्हें वो अंदर जाने के लिए कह रही है। तो प्लीज़ आप लोग इस तरह से ना निकलें बाहर बेवजह, और घर के अंदर ही रहें, सेफ़ रहें, सुरक्षित रहें। और लॉकडाउन की जो स्थिति है उसका मैं मतलब आपको बता देती हूँ कि लॉकडाउन होता क्या है। लॉकडाउन का मतलब होता है कि आप बेवजह बाहर ना निकलें। आप तीन सिचुएशंस में घर से बाहर निकल सकते हैं। पहली सिचुएशन ये है कि अगर आपको राशन पानी का सामान लाना है यानी खाने पीने की कोई ज़रूरत की चीज़ है जिसे लेने के लिए आपको बाहर जाना है तो आप बाहर जा सकते हैं। दूसरी सिचुएशन है जब आपको मेडिसिंस यानी दवाइयों की ज़रूरत है तो आप उस सिचुएशन में बाहर जा सकते हैं। और तीसरी सिचुएशन है अगर आपके पास घर में पैसे बिल्कुल ख़त्म हो गए हैं, आप बैंक जाना चाहते हैं या एटीएम तक जाना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं। लेकिन ज़रूर ध्यान रखें कि जब भी आप बाहर जाएँ आप हैंड सैनिटाइज़र साथ लेके जाएँ। ख़ासतौर पर जो एटीएम्स वगैरह होते हैं यहाँ पर बहुत लोगों के हाथ लगते हैं, तो जैसे ही आप मशीन से पैसे निकाल लें या आप किराने की शॉप से सामान ले लें उसके बाद फौरन अपने हाथ को सैनिटाइज करें और अपने मुंह पर हाथ बिल्कुल ना लगाएं। ये आपको खास ख्याल रखना है। और घर आते ही अपने हाथों को धोएं, अपने कपड़ों को हो सके तो चेंज कर लें और चेंज करते ही अपने कपड़ों को धुलने में डाल दें। तो ये चीज़ें हैं। और साथ में पीएम मोदी ने ये भी कहा था कि जो ज़रूरी सामान है उसकी जमाखोरी ना करें। जमाखोरी करने का मतलब होता है कि न्यूज़ में ही मैंने एक दुकानदार को कहते हुए सुना था कि नमक एक घर में कितना यूज़ हो सकता है, महीने में अगर बहुत बड़ी फैमिली भी है तो एक पैकेट यूज़ हो जाएगा, लेकिन कई लोगों ने 10-10 पैकेट नमक की जो पैकेट्स हैं वो खरीद के रख लिए हैं। तो इस तरह की हरकतें बिल्कुल मत करिए क्योंकि इससे बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, परेशानी हो सकती है। लेकिन हाँ, जो आपकी ज़रूरत की चीज़ें हैं अगर आप एक बार मार्केट जा रहे हैं, क्योंकि लॉकडाउन की सिचुएशन में आप बार बार मार्केट नहीं जा पाएंगे, तो ऐसे में जो भी ज़रूरी सामान है उसकी एक लिस्ट बनाइए और उसका आप एक एक पैकेट या दो पैकेट अपनी फैमिली के हिसाब से लेकर आ सकते हैं। तो कौन कौन सी वो एसेंशियल चीज़ें हैं जो आपको घर में थोड़ी सी आप स्टोर कर सकते हैं। जमाखोरी की मैं बिल्कुल बात नहीं करूँगी, मैं सिर्फ ये कहूँगी कि आप अपनी फैमिली के हिसाब से एक पैकेट या दो पैकेट लेकर रख सकते हैं। तो वो चीज़ें हैं जैसे कि दालें हो गई, राजमा हो गया, छोले हो गए, दलिया, अगर आपके घर में बच्चे हैं वो खाते हैं तो उनके लिए आप दलिया, साबुदाना, ये चीज़ें आप स्टोर कर सकते हैं। पोहा है, आटा है, चावल हो गए,
तेल हो गए, तेल के पाउच हो गए, या फिर मसाले हो गए, चीनी हो गई, ड्राई फ्रूट्स आप ज़रूर घर पे रखिए, क्योंकि ड्राई फ्रूट से फ़ौरन पेट भर जाता है और अगर आपको भूख लग रही है तो ये आपको अच्छी एनर्जी देते हैं। इसके अलावा बटर है, चीज़ है, अंडे हैं, ये सब चीज़ें आप घर पर थोड़ी थोड़ी रख सकते हैं। इसके अलावा आलू, प्याज, टमाटर हो गया, ये चीज़ें आपके घर पर अगर है, सब्ज़ी नहीं भी है तो एटलीस्ट आप बाकी खाना ज़रूर बना सकते हैं। और बच्चों के लिए जिनके घर पे खास तौर पर छोटे बच्चे होते हैं, जैसे मेरी जो बेटी है वो 3 साल की है, 3.25 साल की, तो वो कई बार कुछ चीज़ ऐसी मांग लेती है ऑल ऑफ अ सडन कि मुझे घर पे रखनी पड़ती है, वरना मुझे बहुत परेशानी हो जाती है, वो रोना शुरू कर देती है। तो जिनके भी बच्चे छोटे हैं काफ़ी, 5 ईयर्स या उसके अंदर आते हैं एज में, तो वो कुछ चीज़ें हैं, जैसे आपके बच्चे अगर कुछ जूस, फ्रूटी ऐसी कुछ चीज़ें पीना पसंद करते हैं तो आप ये सब रख सकते हैं, थोड़ी बहुत उनके लिए टॉफ़ीज़, लॉलीपॉप, इस तरह की चीज़ें, क्योंकि कई बार बच्चे जब पूरा दिन घर पे होते हैं तो वो ऐसी चीज़ों की डिमांड भी करते हैं। और इसके अलावा आप उनके लिए बिस्किट्स जो वो खाना पसंद करते हैं वो थोड़े बहुत स्टोर कर लीजिए, और नमकीन हो गया, रस हो गया, या फिर अगर मिल्क के जो टेट्रा पैक्स होते हैं वो आप रख सकते हैं एक दो अपने घर पर, या मिल्क पाउडर रख सकते हैं, क्योंकि अगर कभी सपोज़ आप मिल्क नहीं लेकर आ सकते हैं बाहर से तो एटलीस्ट आपके पास मिल्क पाउडर होगा तो आप उसे यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा जो ज़रूरी मेडिसिंस हैं वो अपने पास घर पर ज़रूर रखिए, जिसमें आप हेडेक की मेडिसिन हो गई, फीवर की हो गई, पेन किलर हो गई, लूज़ मोशंस की हो गई, तो उसकी आप दो दो तीन तीन टैबलेट्स अपने घर पर अपनी फैमिली के हिसाब से रख सकते हैं। और कोल्ड कफ की मेडिसिन हो गई, कॉन्स्टिपेशन अगर आपके बच्चे को किसी को रहता है तो उन बच्चों के लिए जो जो मेडिसिन रिक्वायरमेंट है, या फिर बच्चों का जो विक्स का पैक आता है जिसमें वो बच्चों के लिए स्पेशली विक्स होती है, अगर बच्चे को जल्दी जल्दी कोल्ड कफ हो जाता है, तो वो चीज़ें जो हैं वो आप घर पर ज़रूर रख सकते हैं। और इसके अलावा बच्चों को बिज़ी रखने के लिए क्या एक्टिविटीज़ आप करवा सकते हैं वो मैं आपको अगले वीडियो में ज़रूर आपके साथ शेयर करूंगी, लेकिन एक बार फिर जाते जाते आपसे यही कहूंगी कि लॉकडाउन की सिचुएशन में भी पैनिक बिल्कुल ना करें, जैसा कि पीएम मोदी ने कहा था कि संयम रखने की ज़रूरत है, थोड़ा सा पेशेंस अगर हम रखते हैं और थोड़ी सी हम सावधानी बरतते हैं तो हम कोरोना वायरस की इस जंग को जीत सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आप अपने आप को घर पर रखेंगे, सेफ़ रखेंगे, सुरक्षित रखेंगे और अपना और अपने घर वालों का ध्यान रखेंगे। थैंक यू, बाय बाय।